आज हम बात करने वाले हैं तीसरा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तीसरा चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा, पहला और दूसरा चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, आप जाकर देख लीजिए। इस चैप्टर को हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, सो आप लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। अगर जितने भी बच्चे नए हों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आप भी विवेक मिश्रा स्टडी चैनल का एक फैमिली मेंबर बन जाएंगे, जिससे आपको लगातार हमेशा जब भी मैं लाइव आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड के बारे में। तीसरा चैप्टर हमारा ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड, इसमें हमें पढ़ना क्या है सबसे पहले ध्यान देंगे। इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है, थायो अल्कोहल एंड थायो ईथर। मतलब इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक तो हमारा होगा थायो अल्कोहल के बारे में, थायो अल्कोहल, एंड जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम वो थायो ईथर, थायो ईथर, थायो ईथर, ठीक। थायो ईथर और थायो अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और यूज क्या होता है, मतलब सभी के बारे में हमें पढ़ना क्या क्या है वो पहले देख लेंगे। तो इसमें जैसे मान लीजिए थायो अल्कोहल और थायो ईथर दोनों के लिए हम पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक जो होगा हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो आप सभी में देखते आते हो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे ये बनता है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एंड फोर्थ जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज ए यूज। दोनों के लिए बस इतना पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, क्योंकि आपका सिलेबस ही बस इतना ही है थायो अल्कोहल एंड थायो ईथर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे थायो अल्कोहल। तो थायो अल्कोहल में देखेंगे आखिर ये कहा क्या जा रहा है, तो ध्यान से समझिएगा, कहा जा रहा है थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल आर थायल्स, चाहे हम थायो अल्कोहल बोलें चाहे थायल्स बोलें, दोनों बात एक ही है, मतलब थायो अल्कोहल या फिर थायल्स बात एक ही है। तो थायो अल्कोहल आर थायल्स आर कंसिडर्ड एज एल्किल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। जो थायल्स होता है, थायो अल्कोहल बार बार नहीं कहेंगे, आप समझ लीजिएगा, चाहे थायो अल्कोहल बोलो चाहे थायल्स बोलो, हम बार बार थायल्स ही बताएंगे। जो थायोस होता है ये हाइड्रोजन सल्फाइड का एल्किल डेरिवेटिव होता है, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होता है, ये एल्किल डेरिवेटिव है, यही तो कहा जा रहा है ना, जो थायोस होता है आर कंसीडर्ड एज एल्किल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक। दे रेडियली रिएक्ट विथ मरकरी साल्ट, ये मरकरी साल्ट के साथ रिएक्ट तो करते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं, रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, टू फॉर्म ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड। मतलब अगर हम थायोस का रिएक्शन मरकरी साल्ट के साथ करा दें तो ये बनाते हैं हमारे मरकरी ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड, बनाते हैं क्या, ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड। दे आर ऑफन नेम्ड एज मरकेप्टांस, जिसे हम बोलते हैं मरकेप्टांस के नाम से ही जानते हैं, मरकेप्टांस कहें या फिर थायो ग्रुप कहें, बात एक ही है, अभी आगे हम आपको बताएंगे समझ में आएगा, जो कि हमारा मरकेप्टांस के नाम से जाना जाता है। द फंक्शनल ग्रुप SH, SH ग्रुप जो फंक्शनल SH ग्रुप होता है यही हमारा मरकेप्टांस कहलाता है या फिर थायो ग्रुप कहलाता है, मतलब जहां जहां आपको SH ग्रुप मिल जाएगा वो हमारा मरकेप्टांस होगा या फिर थायो ग्रुप होगा। यहां तक बात क्लियर है, अब चलिए देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि आखिर इसका नाम कैसे बताएंगे हम, कैसे हम उसका IPSC नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कुछ फार्मूला देख रहे हैं, तो आप लोग एक तरफ लिखेंगे फार्मूला, लिखेंगे फार्मूला, और इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम एंड IPSC नेम, IPSC नेम क्या होगा, चलो इसको पता लगाते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई कंपाउंड दे दिया गया, मान लो CH3S, मान लीजिए फार्मूला क्या है आपका CH3SH, क्योंकि आप जानते हो जो SH ग्रुप होता है इसी को आप मरकेप्टांस बोलते हो या थायो ग्रुप बोलते हो या थायोस बोलते हो या फिर थायो अल्कोहल बोलते हो। तो अगर CH3SH मिल गया तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा मिथिल, क्योंकि आप CH3 क्या बोलोगे, CH3 बोलोगे मिथिल, और SH जो होता है इसका कॉमन नेम होता है थायो अल्कोहल या फिर मरकेप्टांस, जो थायोल होता है उसका IPSC नाम होता है। तो CH3 क्या लिखेंगे, मिथिल, मिथिल, और जो SH है इसको आप लिखते हो थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल, या फिर इसे लिख सकते हो मिथिल, मिथिल थायो अल्कोहल ना लिख करके आप लिख सकते हो मरकेप्टांस, बात समझ में आ रही है ना,
समझ तो रहे हो आप लोग ना, मर्केप्टांस, क्लियर। अगर यही इसका आईपीएससी नाम देखें तो आईपीएससी नाम जो होता है वो होता है मेथेन थायोल, मेथेन थायोल, क्योंकि CH3 क्या बोलते हो मेथेन, क्योंकि CH4 मेथेन होता है, तो एक एस हटा करके यहां पर SH फंक्शनल ग्रुप आया है, तो यहां पर हो जाएगा मेथेन, मेथेन थायोल्स, बात क्लियर है। इसी प्रकार जैसे दूसरा कोई एग्जांपल ले लीजिए, दूसरा कोई कंपाउंड आपको मिल गया, मान लो आपको मिल गया C2H5SH, तो C2H5 क्या बोलते हो, एथिल, एथिल थायोल को हाल हो जाएगा, ठीक। या फिर हम इसे बोल सकते हैं एथिल, एथिल मर्केप्टांस, सही है। एंड आईपीएससी नाम इसका देखें तो इसका लिखेंगे एथेन, एथेन थायोल्स। तो ये रहे हमारे कुछ कंपाउंड, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार C2S5 है, C3S7 है, जो भी मिलेगा आप वहां पर बना लोगे, क्लियर। आगे चला जाए तो यहाँ पर अब हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि हम अगर किसी भी कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, आफ्टर इसका यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले आप डालेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे कैसे ये बन सकता है। तो सबसे पहला जो मेथड होता है बाय हीटिंग एन एल्कोहल, एल्कोहल को हम हीट करते हैं विद फास्फोरस पेंटासल्फाइड, फास्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ, मतलब हम किसी एल्कोहल को फास्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ हीट करते हैं, तो वो हमारा क्या बनाता है, RSH बनाएगा। सपोज दैट वो हमारा बनाएगा थायोल्स बनाएगा, थायोल को हाल बनाएगा, बात क्लियर हो रही है। फास्फोरस पेंटासल्फाइड क्या होता है, P2S5। तो आप चलिए अगर हम दिखाएं इसको, तो आप रिएक्शन यहाँ पर दिखा सकते हैं कि हम एल्कोहल को रिएक्ट करा रहे हैं, एल्कोहल हमारा है ROH, हम यहाँ पर R ले रहे हैं, R की जगह पर आप एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, CH3, C2S5, C3S7, कुछ भी ले सकते हो, बस क्या करना है एल्केन में से एक H आप हटा देंगे तो ये एल्किल ग्रुप बन जाता है। तो ROH ये रहा हमारा एल्कोहल, कोई सा भी एल्कोहल हो गया, इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, हीट कर रहे हैं किसके साथ, फास्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ। फास्फोरस पेंटासल्फाइड क्या होता है, P2S5, इसको क्या कर रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं इसको, हम हीट कर रहे हैं, तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा हमारा RSH, RSH प्लस में P2O5, ये P2O5, यहाँ पर इसको अगर बैलेंस करें तो होगा हमारा 5 ROH, तभी तो यहाँ पर P2O5 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 RSH, रिएक्शन हमारा बैलेंस है। इसका अगर नाम दिखाना चाहें तो इसको लिखेंगे एल्कोहल, ये हमारा है एल्कोहल, एल्कोहल ये फास्फोरस पेंटासल्फाइड, फास्फोरस पेंटासल्फाइड, एंड ये हमारा बनाता है थायो एल्कोहल, RSH थायोल्कोहल, ठीक। चलिए देखते हैं इसका दूसरा मेथड, और किस किस मेथड से ये बनाया जा सकता है। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या बोलता है कि बाय हीटिंग एन एल्किल हैलाइड, हम किसी एल्किल हैलाइड को हीट करेंगे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, मतलब किसी भी एल्किल हैलाइड को आप हीट करोगे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ इन एल्कोहल सोल्यूशन, एल्कोहल सोल्यूशन में, फिर भी ये क्या बनाएगा हमारा थायोल्कोहल बनाएगा। आइए देखते हैं कैसे हम हीट करेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग लेके कोई एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड में आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए हम एल्किल हैलाइड ले लेते हैं RX, सपोज दैट हम कोई एल्किल हैलाइड लेते हैं RX, दिस इज ए, ये एल्किल हुआ, ये हैलाइड हुआ, इसलिए इसके बोलते हैं एल्किल हैलाइड। इसको हम हीट करते हैं, इसको हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, KSH, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इट इज ए KSH, ठीक। इसके साथ जब हम इसको हीट कराते हैं, हीट कराते हैं तो ये क्या बनाएगा हमारा, ये हमारा बना लेता है RSH, RSH प्लस में KX, प्लस में KX, मतलब अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो इसकी वैल्यू जो होती है, तो इसकी वैल्यू जो होती है RX को हम बोलते क्या है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, KSH जो होता है हमारा पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, पोटेशियम
हाइड्रोजन, सल्फाइड, और ये जो हमारा बनाया ये हमारा थायो एल्कोहल बनाया, थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। और केएक्स को हम बोलते हैं पोटेशियम हैलाइड, पोटेशियम हैलाइड। बात समझ में आई? अभी मैकेनिज्म भी अब आपको दिखा दे रहे हैं, पहले समझने की कोशिश कीजिए किस प्रकार ये बना हुआ है। या फिर इसी के स्थान पे अगर हम R के स्थान पर कुछ वैल्यू मान लीजिए, कोई भी एल्किल ग्रुप ले लें, तो आप अगर कोई एल्किल ग्रुप लेंगे तो क्या बनाएगा, जैसे R की जगह आप ले रहे हैं C2H5, और X की जगह पर आप ले रहे हैं ब्रोमाइड मान लीजिए, तो ये हमारा हुआ क्या, एल्किल ब्रोमाइड या एथिल ब्रोमाइड जिसे आप बोलते हो, ठीक। प्लस में इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, जो कि हमारा है KSH। इसके साथ हम क्या कराएंगे, इसको हीट कराएंगे, हीट कराएंगे तो ये क्या करेगा, होगा क्या, हमारे पास क्या है C2H5, इधर है Br और एक हमारा K, इधर है हमारा SH, क्या है KSH। यहाँ पर देखेंगे ये हमारा जो C2H5 है किसके साथ जुड़ा है, ब्रोमाइड के साथ। ब्रोमाइड होता क्या है एक्चुअली, अगर देखा जाए ब्रोमाइड क्या है, हैलोजन ग्रुप है। हाइलोजन जब हैलाइड है ये, इसके पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसको एक मतलब ऑटोमोसिल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक लेने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड जब तोड़ेगा, बॉन्ड टूटता कैसे, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेता है, जब खींच लेता है तो ये बॉन्ड को ब्रेक हो जाता है, तो इसके पास जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके पास निगेटिव आया, इसके पास पॉजिटिव आ जाता है, ठीक। और हम अगर देखें पोटेशियम और ये सल्फर में, पोटेशियम और सल्फर में, क्योंकि ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, पोटेशियम और सल्फर से रिएक्ट कराए हैं, सल्फर जो है ये इससे जुड़ा हुआ है, तो जो पोटेशियम होता है उसमें देने की टेंडेंसी होती है, मतलब पोटेशियम 19 होता है, तो इसको आप देखेंगे तो क्या होता है 2881, ये एक देने की टेंडेंसी रखता है, साथ ले करके अपने आप को अष्टक संरचना पूरी करना नहीं चाहता, ये एक देना चाहता है, उचित यही समझता है, एक दे दे काम खत्म, मतलब ये एक देकर स्टेबल होना चाहता है। तो ये पोटेशियम हमेशा पॉजिटिव रखता है, जैसे आप Na+ देखते हो, K+ देखते हो, तो ये सब क्या है, एक प्लस दिखाते हैं, तो यहाँ पर जब ये पॉजिटिव शो करता है तो ये सल्फर ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा इसके अपेक्षा, तो ये भी बॉन्ड जब टूटेगा, बॉन्ड जब टूटेगा तो K पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस। बात समझ में आई? अब ये जो K प्लस है ये Br के साथ रिएक्ट कर जाता है, K प्लस जो है ये Br के साथ रिएक्ट कर जाता है, बना क्या लेता हमारा KBr। अब ये जो SH माइनस है ये हमारा रिएक्ट कर जाता है C2H5SH बना लेता है, क्या बना लेता है C2H5SH। बात समझ में आई? उम्मीद करते हैं आपको मैकेनिज्म भी समझ में आ गया होगा, और वैल्यू अगर आपको न आती हो, इसकी मान लीजिए नाम न समझ में आता हो, तो हम आपको लिख देते हैं, वैसे भी सबको आता ही है, फिर भी लिखना ज़रूरी है, आप एग्ज़ाम में भी लिखेंगे तो वैल्यू जिसका नाम है, जैसे C2H5Br जो होता है उसका नाम लिखना आपको अनिवार्य है। तो यहाँ पर लिखो क्या, इट इज़ एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। KSH क्या होता है, पोटेशियम, अभी ऊपर लिखा गया तो क्या लिखें, ये देखो ऊपर लिखा गया पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, यही ये है। एंड C2H5SH क्या है, एथिल, एथिल थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। और जो KBr होता है वो पोटेशियम, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ, समझ में आया, नोट डाउन करिए फटाफट से, और इसका जो PDF नोट्स है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, आप वहां पर क्लिक करके इसकी पूरी PDF नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देख लिए बहुत है दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की, आखिर ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है क्या, देखने में कैसा होता है, मतलब ये रंगहीन होता है या रंग होता है इसमें, या फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये सॉलिड में होता है या लिक्विड में होता है, तो ये इस प्रकार से देखेंगे, यही हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी कहती है कि एक्सेप्ट मेथिल थायो एल्कोहल, मेथिल थायो एल्कोहल को छोड़ करके, मेथिल थायो एल्कोहल क्या होता है सब लोग जानते हो, मेथिल थायो एल्कोहल बोलते हैं
CH3SH अभी ऊपर हमने दिखाया, ये हमारा गैस होता है। सिर्फ हमारा जो जितने भी थायल कोहल होते हैं उसमें सिर्फ मिथिल थायल कोहल गैस होता है, बाकी सभी लिक्विड या फिर सॉलिड होते हैं। गैस सिर्फ हमारा मिथिल थायल कोहल होता है, इसको छोड़ करके आर थायल कोहल आर कलरलेस लिक्विड आर सॉलिड। मतलब थायल कोहल गैस होता है, ये क्या होता है, गैस होता है। जब ये गैस है तो इसको छोड़ करके, मतलब मिथिल थायल कोहल को छोड़ करके जितने भी थायल कोहल होते हैं, या फिर चाहे वो इथिल थायल कोहल, प्रोपिल थायल कोहल, ब्यूटिल थायल कोहल, जितने भी थायल कोहल होते हैं सब के सब कलरलेस लिक्विड अथवा सॉलिड होते हैं। मतलब जितने भी होते हैं सब कलरलेस लिक्विड अथवा सॉलिड होते हैं। बात क्लियर हुई? मतलब ये समझिएगा कि मिथिल थायल कोहल को छोड़ करके जितने भी थायल कोहल होते हैं सब कलरलेस लिक्विड अथवा सॉलिड होते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी बोली जा रही, फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा पॉइंट ये कहा जा रहा है कि देयर बॉइलिंग पॉइंट आर लोअर देन दोज ऑफ द करिस्पॉन्डिंग एल्कोहल। मतलब जितने भी थायल कोहल होंगे उनके करिस्पॉन्डिंग में जो उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो लोअर होती है। जैसे अगर हम बात कर लें, सपोज दैट अगर हम बात कर ले रहे हैं CH3 या बात करिए C2H5SH की एंड C2H5OH की, तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर हम ऑर्डर देखें तो इस प्रकार होगा। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लोअर होगा, लोअर बॉइलिंग पॉइंट, एंड इसका जो होता है हाइयर बॉइलिंग पॉइंट, हाइयर बॉइलिंग पॉइंट। मतलब C2H5SH को क्या बोलेंगे, एथिल थायल एल्कोहल, और ये होता है हमारा एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल उसके जितने भी थायल एल्कोहल होंगे उनके करस्पॉन्डिंग में जो एल्कोहल होंगे अपने करस्पॉन्डिंग एल्कोहल से उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो लोअर होती है। मतलब कम टेम्परेचर पे ही वो उबलने लगते हैं। मान लो सपोज दैट, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा किसी के लिए, सपोज दैट इसके लिए अगर 400 डिग्री सेल्सियस होता, सपोज दैट इसके लिए 400 डिग्री सेल्सियस होता तो ये उससे कम हो जाता, लेस देन 400 डिग्री सेल्सियस, मतलब 400 डिग्री सेल्सियस से कम आता। मान लो 350 डिग्री सेल्सियस आ सकता था, 300 डिग्री सेल्सियस आ सकता, मतलब कम टेम्परेचर पर ही उबलने लगता। मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अपने करस्पॉन्डिंग एल्कोहल से कम होता है। नोट करिए फटाफट से, तीसरी जो प्रॉपर्टी कही जा रही है, तीसरी प्रॉपर्टी ध्यान से देखेंगे। कहा जा रहा है कि दे आर मच लेस सॉल्युबल इन वाटर देन द करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। जो थायो एल्कोहल्स होते हैं वो अपने करस्पॉन्डिंग एल्कोहल की अपेक्षा जल में बहुत ही कम विलेय होते हैं, बहुत ही कम विलेय होते हैं। जैसे मान लो अगर हम बात करें CH3SH की और CH3OH की, तो ये जो होगा आसानी से घुल जाएगा H2O में, H2O में सॉल्युबल होता है, H2O में सॉल्युबल होता है, बट ये H2O में लेस क्या, वेरी लेस सॉल्युबल होता है, इसीलिए मच लेस लगा गया, वेरी लेस सॉल्युबल होता है, ये जल्दी घुलता नहीं है, अपने करिस्पॉन्डिंग एल्कोहल की अपेक्षा बहुत कम सॉल्युबल होता है। तो ये थी हमारी तीन फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि आपको याद करनी है। फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट। लेकिन आगे चलने से पहले हम फिर से बताना चाहेंगे, अगर अभी तक काफ़ी बच्चे यहाँ पर कहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आता तो सब्सक्राइब कर लो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब किए रहोगे, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। बाद में आप देखोगे नहीं मजा आएगा, जब आप लाइव क्लास बैठते हो पढ़ने के लिए तब मज़ा आता है। अगर ये लाइव क्लास चल रही है, जितने बच्चों को जो प्रॉब्लम हो रही है अगर वो पूछो, कमेंट किया करो, लाइव चैट लिखा करो, तब मज़ा आता है। क्लियर? लाइव पे जब हम पढ़ाते हैं, लाइव अगर आप देखोगे ज़्यादा अच्छा लगता है। जो भी अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जहाँ नहीं समझ में आ रहा, वैसे भी ऐसी कोई टॉपिक नहीं है जो न समझ में आए, लेकिन यहाँ पर फटाफट से सब लोग, जितने भी लोग देख रहे हो, फटाफट से पहले लाइक करोगे, लाइक करके बताएंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जितने भी लोग देख रहे हो, उसके बाद चैट सेक्शन में सब लोग लिखेंगे कि समझ में आया या नहीं आया, चैट सेक्शन में सब लोग लिखेंगे समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से चैट सेक्शन का उपयोग करेंगे। बहुत बढ़िया, लगभग सबको समझ में आ गया। आगे चलें, टेक स्क्रीनशॉट। चलिए तो आइए देख लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, आखिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। चलिए देख लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट टॉपिक जो आता है कि रिएक्शन विद एसिड, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। एसिड के साथ रिएक्ट करके एसिड का फार्मूला क्या होता है, एसिड का फार्मूला सबको पता होगा, हम आपको बता भी देते हैं। एसिड है हमारा, जैसे एसिटिक एसिड जिसे बोलते हो उसे हमारा एसिड भी बोला जाता है, जैसे आप CH3COOH बोलते हो, CH3COOH इज ए एसिड। एसिड क्लोराइड की बात करें, एसिड क्लोराइड क्या होता है हमारा, CH3 या C2H5COCl, C2H5COCl। और एसिटिक अनहाइड्राइड जो होता है या एसिड एनहाइड्राइड जो होता है वो हमारा होता है CH3CO का होल ट्वाइस, ये सब लोग पता है,
CH3 CO का होल ट्वाइस इंटू में हो, ये सब नॉर्मल चीज़ें जो आप कई बार पढ़ चुके हो। इन तीनों के साथ रिएक्ट करके, मतलब अगर हम थायोल कोहाल का रिएक्शन चाहे हम एसिड के साथ करा दें, चाहे हम एसिड क्लोराइड के साथ करा दें, चाहे हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ करा दें, तीनों के साथ रिएक्ट करके वो एक ही चीज़ बनाता है जो कि हमारा होता है एथिल थायोएसीटेट। क्या होता है? एथिल थायोएसीटेट, थायोएसीटेट यही बनाता है, एथिल थायोएसीटेट, एथिल थायोएसीटेट ही बनाता है। क्लियर? मतलब चाहे एसिड के साथ क्रिया करे, चाहे एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करे, चाहे एसिड एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करे, बनाएगा ये एथिल थायोएसीटेट। क्लियर? मतलब जब हम एल्कोहल थायो एल्कोहल का रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं फिर भी हमारा एथिल थायोएसीटेट बनता है, एसिड क्लोराइड के साथ कराते हैं फिर भी थायो एसीटेट बनता है, एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं फिर भी एथिल थायोएसीटेट ही बनता है, नो डाउट कर लीजिए। अब हम चलते हैं बीच मैकेनिज्म देखने कैसे ये बनता है, चलो देख लेते हैं। चलिए रिएक्शन करा के देखते हैं। सबसे पहले आप किसके साथ कराएंगे? एसिड के साथ। तो हम क्या करेंगे, एथिल थायो एल्कोहल ले लेते हैं। एथिल थायो एल्कोहल क्या होता है? C2H5SH। क्या लेते हैं हम? C2H5SH, C2H5SH, इसका रिएक्शन हम कराते हैं एसिड के साथ, मतलब C2H5COOH। ठीक, चाहे C2H5COOH ले लीजिए, या फिर अगर आपकी इच्छा हो तो आप CH3COOH ले लीजिए, जैसी आपकी इच्छा, जो इच्छा कहे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम इस प्रकार CH3COOH, क्योंकि हमें बनाना है तीन के तीनों में एथिल थायोएसीटेट, इसलिए यहाँ पर हम CH3COOH ले रहे हैं। अगर C2H5 ले रहे होते तो वहाँ पर प्रोपिल थायोएसीटेट बन जाता, और कोई दिक्कत नहीं, बनता थायोएसीटेट ही बनता, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बस अंतर इतना था वो प्रोपिल थायोएसीटेट बन जाता, बनेगा हमारा थायोएसीटेट। अब प्रोपिल बन रहा है, ब्यूटिल बन रहा है, एथिल बन रहा है, मिथिल बन रहा है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए, मिथिल तो वैसे हम नहीं कर सकते एक प्रकार से, CH3COOH बन जाएगा तो वो एथिल ही हो जाता है। तो चलिए देखते हैं C2H5SH का रिएक्शन कराते हैं CH3COOH के साथ, विथ मैकेनिज्म देखेंगे। तो ये हमारा बनाता है कुछ इस प्रकार से, यहाँ से देखेंगे जो SH लिखा गया, हम इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, SH लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, SH। अब देखिएगा मैकेनिज्म में क्या बोला जाएगा, जैसे हम मान लीजिए ले रहे हैं C2H5SH, इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं CH3C OOH के साथ, इसी के साथ हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, मतलब जब CH3COOH के साथ रिएक्ट कराता है तो यही वाला बॉन्ड टूटता है। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो एस पे क्या आता है, माइनस की प्लस आएगा, एच पे प्लस आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा। देखिएगा ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस होगा, ये सॉरी प्लस होगा और ये माइनस, क्योंकि एच पे लगभग प्लस ही आता है और एस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ये माइनस में टूट जाएगा और ये प्लस में टूट जाएगा। बात करते हैं इधर से, इधर अगर हम OH देखें, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया, जब इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, जब बॉन्ड टूट गया तो इस पर क्या आया, इस पर निगेटिव चार्ज आ गया, इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, ये दोनों आपस में मिल गए, ये देखिएगा आपस में दोनों मिल गए, बना क्या लिए, H प्लस और OH माइनस, क्या बनाते हैं, H2O, ये तो बना लिए हमारे H2O प्लस। अब बचे क्या, ये हमारे H2O बना लिए, ये हमारे हट गए, देख रहे हैं H2O बना लिए। अब बचा क्या, इस पे माइनस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, जाकर न्यूट्रल कर देगा, क्या बनाएगा हमारा, CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर यस C2H5, ये तो बनाएगा, जिसका नाम होता है एथिल थायोएसीटेट, एथिल थायोएसीटेट लिख लेंगे, इसका नाम होता है एथिल थायोएसीटेट। ये रिएक्ट किया है एसिड के साथ, एसिड के साथ किसका रिएक्शन कराया हमने, थायो एल्कोहल, या इथिल थायो एल्कोहल बोल दें, इथिल थायो एल्कोहल, समझ में आया, जब हम इथिल थायो एल्कोहल का रिएक्शन एसिड के साथ कराया बनाया क्या, इथिल थायो एसीटेट बनाया। अब इसी प्रकार हम इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे,
किसके साथ कराएंगे, एसिड क्लोराइड के साथ। दूसरा हमारा यही तो बोला जा रहा है, एसिड क्लोराइड के साथ आपको कराना है, चलिए कराते हैं। हम कराएंगे एसिड क्लोराइड साथ, ये होगा हमारा C2H5SH+CH3COCl। भाई एसिड क्लोराइड यही तो होता है, CH3COCl। इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये देखते हैं। इसका रिएक्शन देख लेते हैं, ये हुआ क्या, हम जानते हैं जब ये टूटेगा C2H5, अभी हमने देखा यस ये निगेटिव हो जाएगा और ये H पॉजिटिव, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, यस इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन सल्फर, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है हाइड्रोजन की अपेक्षा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इसलिए इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज। और CH3COCl को तोड़ेंगे, CH3COCl को ब्रेक करेंगे, बिकॉज Cl इज ए हाइलोजन, ये क्या है हाइलोजन है, हाइलोजन क्या होता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है कार्बन की अपेक्षा, तो क्या करेगा इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो Cl पे आएगा निगेटिव चार्ज, इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो HCl हमारा रिएक्ट करके खुश हो जाते हैं, तो क्या बना लेते हैं हमारे HCl, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अब बचा क्या हमारा, बचा हमारा ये CH3C डबल बॉन्ड O, इस पे था हमारा पॉजिटिव चार्ज और इस पे था हमारा निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर गए, यस C2H5, और बना क्या लिए हमारे टोटल, जब ये रिएक्ट कर गए, रिएक्ट करने के बाद हमारा यही एथिल थायो एसीटेट बनाए, ठीक, ये इसका नाम तो जानते हैं आप एथिल थायो अल्कोहल, ये जो एसिड है यहाँ पर आप लिए थे एसिड क्लोराइड, ये भी हमारा बना है क्या इथिल थायो एसीटेट, नोट कर लीजिए। इसी प्रकार इसका रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ करा देंगे, चलिए एसिड एनहाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, देखते हैं कैसे बनाया गया ये। जब हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे, मतलब C2H5SH+ में CH3CO का होल ट्वाइस O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा। अब आइए देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल इसमें भी है, मैकेनिज्म देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम जानते हैं C2H5SH जो होता है किसमें टूटता है, ये टूटेगा C2H5S और H है, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन द सल्फर, तो सल्फर के पास निगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उस पर निगेटिव चार्ज, जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। प्लस में CH3CO का होल ट्वाइस O कैसे लिखेंगे, ये इस प्रकार से लिखा जाता है CH3C डबल बॉन्ड O एंड ये CH3C डबल बॉन्ड O एंड बीच में हमारा O, इसका स्ट्रक्चर ये होता है CH3CO का होल ट्वाइस, देख पा रहे ना इसका होल ट्वाइस है, ठीक दो बार है ना ये, इसलिए होल ट्वाइस लगाया गया है और O, तो CH3C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस O इस प्रकार से है। अगर हम बॉन्ड तोड़े, चाहे हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें, दोनों तो बना है हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मान लो इस वाले बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये हमारा निगेटिव चार्ज, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो पूरे पीरियडिक टेबल में सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, जैसे सबसे पहले तो होता है हमारा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ये कार्बन से खींच लेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसके पास निगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव से रिएक्ट करेगा, तो ये जो H प्लस है ये O माइनस के साथ रिएक्ट कर लिया, क्या बना दिया हमारा CH3C डबल बॉन्ड O, O माइनस था ये H जाकर इससे जुड़ गया, ये बना लिया हमारा एसिड CH3COOH, देख पा रहे ना, और जो ये माइनस चार्ज था ये प्लस वाले के साथ जाकर रिएक्ट कर गया, ये बना लिया CH3C डबल बॉन्ड O, ये था हमारा पॉजिटिव चार्ज और इस पर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होकर क्या बना लिया C2H5. This is ethyl thio acetate. ये हमारा क्या देख पा रहे हैं, जैसे ऊपर सभी है हमारे ethyl thio acetate, ये इसे ये भी हमारा ethyl thio acetate ही कहलाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे This is ethyl thio acetate. इसका नाम क्या है हमारा ethyl thio alcohol, ऊपर से लिखा गया है, ये एसिड है, ये एसिड क्लोराइड है, ये एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड, और ये हमारा क्या है इथिल थायो एसीटेट, यहाँ पर ये वाटर बना रहा था, यहाँ पर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और यहाँ पर ये क्या बनाया एसिड
एसिड बनाना, एसिड या फिर हम आप बोल सकते हैं इसको इथिल एसिड बनाना, CH3COOH। क्लियर हुआ, समझ में आया केमिकल प्रॉपर्टी की? ये पहला पॉइंट समझ में आया कि अगर हम किसी भी थायोल को हाल का रिएक्शन एसिड एसिड क्लोराइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड से याद कराते तो वो हमारा थायो एसिटेट बनाता है। नोट अंकल जी, एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ठीक है, स्क्रीनशॉट, ठीक है स्क्रीनशॉट, और सब लोग फटाफट से चैट सेक्शन में लिखो क्या समझ में आया, हम आगे चलें। अगर आप लोग नहीं समझ में आया तुरंत बताओ, हम फिर से बताएंगे। उम्मीद करते हैं हमने इतना विधिवत तरीके से बताया कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आप चैट सेक्शन में बता सकते हो। बहुत बढ़िया, सभी लोग समझ में आ चुका है। देखिए क्या है, एक प्रकार से फिर से समझा दे रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे जिनको नहीं समझ में आए एसिड एनहाइड्राइड वाला, फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा C2H5SH जो है इस प्रकार से है, ये जब बॉन्ड टूटेगा क्योंकि सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में टूट जाएगा, एंड CH3 C डबल बॉन्ड O, यही तो स्ट्रक्चर होता है ना अपना है एसिड एनहाइड्राइड का। जब ये वाला बॉन्ड टूटा या फिर ये वाला बॉन्ड टूटा है, जरूरी नहीं कि कोई यही वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे माइनस आया, माइनस वाला प्लस के साथ रिएक्ट कर गया। ये जो प्लस है हमारा, ये एच प्लस है, ये इसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा क्या हमारा, ये इसी के साथ रिएक्ट कर लिया, देखो ये इसके साथ क्या बना हमारा, CH3 C डबल बॉन्ड OOH बना लिया, जो कि ये देख पा रहे हो आप प्लस में, ये जो है CH3 C डबल बॉन्ड O। अब ये जो पॉजिटिव इस पर निगेटिव चार्ज क्या बना लिया हमारा, यस आकर इससे जुड़ गया, यस C2H5 जो कि हमारा एथिल थायोसिटेट बनाया। क्लियर, अब भी किसी कोई प्रॉब्लम फटाफट से चैट सेक्शन में लिखो सब लोग, अब भी किसी कोई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़े। चलिए स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए, अब फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या करा कर रहा है हमारा, रिएक्शन विद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, आइए देख लेते हैं। अगर हम एल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन करा दें, मतलब थायोल अल्कोहल का रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करा दें, हमारा बनेगा क्या, हमारा एग्जैक्टली बनेगा क्या, आइए देखते हैं। जब एल्डिहाइड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है हमारा मरकैप्टल, क्या बनाता है हमारा मरकैप्टल। अब मरकैप्टल क्या होता है, देखिए मरकैप्टन और मरकैप्टल में अंतर है, मरकैप्टन में और मरकैप्टल में अंतर है, मरकैप्टल ये होता है, ये मरकैप्टल, मरकैप्टल इसका जो फार्मूला होता है, मरकैप्टल का जो फार्मूला होता है ये इस प्रकार होता है, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है CH3CHSC2H5 का होल ट्वाइस। देखिए कई चीज़ें होती हैं, मरकैप्टल होता है, अभी आप पढ़ोगे मरकैप्टॉल, क्या पढ़ोगे मरकैप्टॉल, मरकैप्टॉल अभी आप मरकैप्टॉल के बारे में पढ़ोगे, ये शायद CH नहीं होता जी, मरकैप्टॉल ये CAPTOL, यहाँ भी H नहीं होता, मरकैप्टॉल, मरकैप्टॉल पढ़ोगे, अभी आप इसके बाद मरकैप्टाइड भी पढ़ोगे, मरकैप्टाइड सोच रहे हो सर पता नहीं कहाँ कहाँ से बता रहे हो, मरकैप्टाइड, ठीक, मरकैप्टॉल, मरकैप्टाइड, मरकैप्टल, काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाले हो अभी। तो रिएक्शन भी थे एल्डिहाइड, चलिए देख लेते हैं एल्डिहाइड साथ रिएक्ट करके बनाया गया क्या, ये देख लेते हैं रिएक्शन कराते हैं इसका। तो आप कराइए इसका रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ, C2H5SH लिखेंगे, C2H5SH का रिएक्शन हम कराएंगे, यहाँ पर दो मोल लेंगे जब एल्डिहाइड साथ कराने वाले हैं, क्योंकि आप मैनेज करोगे अभी आगे चल के हम दिखाएंगे, नहीं तो आपका कंप्लीट ही नहीं होगा। CH3CHO वो बैलेंस करने के लिए हम पहले लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बैलेंस बाद में करोगे। CH3CHO के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराते कैसे हैं पहले ये मालूम होना चाहिए, रिएक्शन कराते हैं तो आता कैसे है देखेंगे। C2H5PSH है, मतलब इसका दो मोल है, समझिएगा इसका दो मोल है, और CH3CHO है, देखिएगा हमारा यहाँ पर लिख देते हैं CH3CHO, ठीक, बस इतना आप समझिएगा। अगर हमारा एक बॉन्ड यहाँ से टूटा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए हैं, अगर ये एक बॉन्ड टूटेगा तो मतलब इस पर एक निगेटिव चार्ज, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, सब लोग संतुष्ट हो। अब C2H5SH दो मोल है, C2H5SH एक है और दूसरा हमारा C2H5
यस यस दूसरा है, अगर ये बॉन्ड हम तोड़ते हैं तो हम जानते हैं इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं ये भी बॉन्ड तोड़े इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यही आता है। तो एक बॉन्ड जब टूटा तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो आकर इधर रिएक्ट करेगा करेगा कि नहीं करेगा ये बताओ। तो C2H5PS इस पे आकर रिएक्ट इधर किया, क्या किया C2H5S, मतलब यस इससे रिएक्ट करेगा, यस C2H5 मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे हमारा निगेटिव चार्ज है, यस C2H5, ये माइनस प्लस बैलेंस हुआ, ये हमारा रिमूव हो गया। ठीक, अभी जो O पे माइनस था इसको, ये तो हमारा रिमूव हो गया, ये वाला यहाँ पर चला आया, देखिएगा ये वाला यहाँ पर चला, तो ये हमारा हट जाएगा, ये हमारा हट जाएगा, हटा नहीं हटा। अब ये जो H प्लस आया ये इधर रिएक्ट कर गया, ये इधर रिएक्ट कर गया, इधर H प्लस था इधर इस पे माइनस था, तो ये हट गया, तो इधर आ गया ओ एच जुड़ गया। ठीक, ये भी हमारा कंप्लीट। यहाँ तक समझ में आया, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, अब चलो आगे देखते हैं। अगर फिर से अगेन ये वाला अगर बॉन्ड टूटा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे हमारा निगेटिव चार्ज, बोलो कन्फर्म है, इस पे पॉजिटिव इस पे निगेटिव, तो पॉजिटिव वाले को बैलेंस करने के लिए ये वाला आकर इधर जुड़ेगा, ये वाला आकर इधर जुड़ेगा, तो ये वाला जब आकर जुड़ा तो ये ओ एच वहाँ हटा देते हैं इधर, क्योंकि बॉन्ड ही टूट गया, तो ओ माइनस था और ये एच इसी प्रकार तो मिला था, ये आकर जुड़ा तो क्या जुड़ा हमारा यस C2H5, इस पे हमारा निगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे से बैलेंस हो गए। और जो H2O हमारा ये बना लेगा, क्योंकि ये O पे माइनस है, ये H प्लस, ये तो हमारा हट गया ना, इधर आ गया, ये H प्लस इधर चला जाएगा, ये देखो ये H बना लिया, ये हट जाएगा, क्लियर। तो ये बनाया हमारा H2O, और क्या बनाया CH3CH लिखेंगे, CH3CH, ये देखिएगा CH3CH, और क्या बना हमारा C2H5, इसका होल ट्वाइस, C2H5 का होल ट्वाइस, जिसे आप बोलते हो मरकेप्टल। उम्मीद करते हैं मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। मैकेनिज्म देखो ध्यान से समझा करो, मैकेनिज्म अगर ध्यान से समझोगे तभी मज़ा आता है। तो ये था हमारा थायो एल्कोहल, ये था हमारा एल्डिहाइड, और ये था हमारा मरकेप्टल। ठीक, मरकेप्टल का निर्माण किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही क्रिया करता है, मतलब थायो एल्कोहल जब सपोज दैट C2H5SH जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जिसे आप एल्कलीज बोलते हो, NaOH के साथ रिएक्ट करता है, तो ये बनाता है सोडियम मरकेप्टाइड बनाता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से ये रिएक्ट करता है। सबसे पहले हम रिएक्शन कराएंगे थायो एल्कोहल का C2H5SH, यहाँ पर देखेंगे C2H5SH, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब NaOH के साथ, किसके साथ करा रहे हैं NaOH के साथ। ठीक, अब बनाएगा क्या, मैकेनिज्म थोड़ा समझ लेंगे। ये था हमारा कुछ इस प्रकार से C2H5S, ये निगेटिव और H प्लस, इसी प्रकार ये टूटता है। NaOH किस में टूटता है, Na प्लस और OH माइनस में टूटता है। OH माइनस H प्लस क्या बना लेगा, H2O, और जो Na प्लस है H से जाकर जुड़ जाएगा, क्यों, जो Na है वो H से जाकर जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा हमारा C2H5S, तो था ही S पे माइनस था, Na पे प्लस था, तो SNA, यही तो बनाएगा हमारा। इसका नाम होता है सोडियम मरकेप्टाइड, लिख लेंगे सोडियम मरकेप्टाइड। ठीक, नोटन, तो उम्मीद करते हैं ये आपको केमिकल रिएक्शन भी समझ में आएगा। केमिकल रिएक्शन में भी कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप केमिकल प्रॉपर्टी भी देखना चाहें फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। पहले तो हमने 1, 2, 3 केमिकल प्रॉपर्टी, यहाँ होता है 4, 5 केमिकल प्रॉपर्टी बहुत है, इससे ज़्यादा आपको पेपर में नहीं लिख के आना है। 5 केमिकल प्रॉपर्टी बहुत है। अब कैसे हुआ
आपको मैकेनिज्म के द्वारा समझाया गया। अगर समझ में आ गया तो फटाफट से सब लोग लाइक करो, हम समझ जा रहे हैं। जितने भी लोग अगर लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करो, समझ रहे कि आ रहा है समझ में, और चैट सेक्शन में फटाफट से लिखो समझ में आ। आगे चलें, टेक ए स्क्रीनशॉट, आगे चला जाए। फिर डालेंगे यूज, अब हम पढ़ेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, नोट डाउन कर लिए हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके यूज के बारे में। फिर डालेंगे यूज, यूज का जो पहला पॉइंट है, दे आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग सल्फोनॉल। ये सल्फोनॉल के प्रिपेयर करने में भी यूज होता है, मतलब सल्फोनॉल के प्रिपेयर में भी इसका यूज किया जाता है। किसका? थायल्कोहल का यूज जो होता है सल्फोनॉल बनाने के कार्य में आता है। दूसरी चीज, दे यूज फॉर डिटेक्टिंग लीकेज इन गैस पाइप। इसका जो यूज होता है वो गैस पाइप में जो लीकेज होता है उसको डिटेक्ट करने में आता है। मतलब थायल्कोहल होता है वो गैस पाइप में लीकेज है या नहीं है उसको डिटेक्ट करने के काम में आता है। बातें समझ में आ गई होगी आपको। अब हम चलते हैं थायोईथर के बारे में, नोट डाउन कर लीजिए। हेडिंग लगा लेंगे थायोईथर्स, हेड डालेंगे थायोईथर्स। तो थायोईथर में देखेंगे कहा जा रहा है, दे आर नेम्ड आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम। ठीक, इसका जो नेम होता है डिराइव होता है कॉमन नेम ऑफ द करिस्पॉन्डिंग ईथर। इसके करिस्पॉन्डिंग ईथर के कॉमन नेम से इसका नेम डिराइव होता है बाई रिप्लेसिंग द वर्ड ईथर विथ थायोईथर आर सल्फाइड। मतलब जहां पर ईथर होता है वहां से हटा करके रिप्लेस करके थायोईथर लगा देते हैं या फिर सल्फाइड लगा देते हैं। इसके कहने का सिंपल मतलब ये है, जैसे ईथर क्या होता है, आर ओ आर, जैसे आर है ओ है आर है, इसे हम बोलते हैं ईथर, समझिएगा। यहीं पर आर यस आर हो जाए तब ये हो जाता है हमारा थायोईथर। क्या हो जाता है? थायोईथर, या फिर इसे बोलते हैं सल्फाइड। ठीक, इसे बोलते हैं हम सल्फाइड। बात क्लियर हो रही है ना? अगर थायोईथर किसे बोलते हैं, किसे हम सल्फाइड बोलते हैं, तो यही है हमारा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको बता दिया जाए, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर अगर दिखाएं, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको कोई वैल्यू दी जाए C2H5, यहाँ पर देखिएगा C2H5, यस C2H5। इसका कहने का मतलब क्या है? ये हमारा डाई इथिल C2H5। इसको बोलेंगे क्या? डाई इथिल। क्या बोलेंगे? डाई इथिल। ठीक, डाई इथिल। अब इसके बाद चाहे हम थायोईथर लगाएं चाहे हम सल्फाइड लगाएं, तो हम दोनों लगा के आपको पहली बार बता देते हैं, थायोईथर लगाएं या फिर इसी को हम बोलते हैं डाई इथिल सल्फाइड। और यहीं पर अगर कुछ इस प्रकार से हमें मिला रहा होता, सपोज दैट इस प्रकार से हमें मिला रहा होता C2H5, यस, या वहाँ पर ओ होता था ईथर में CH3 मान लो मिला रहा होता, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इथिल मेथिल। पहले मेथिल नहीं लिखा जाता, पहले इथिल लिखा जाता है। कारण क्या है? ई पहले आता है, पहले एम आता है, पहले ई आता है, इसलिए ई पहले लिखा जाता है इथिल। तो यहाँ पर जो इसका नाम होगा ये क्या हो जाएगा हमारा? इथिल मेथिल। क्या? थायोईथर। चाहे आप यहाँ पर थायोईथर लगाएं या फिर आप सल्फाइड लगा सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? इथिल मेथिल सल्फाइड ले सकते हैं। बात क्लियर हो रही है ना? मतलब ये है कि आप ईथर की जगह पर, ईथर कब होता था? यस के स्थान पर अगर ओ आ जाता था तो ये ईथर होता था, वहाँ पर अगर यस लगाया तो यहाँ पर थायोईथर, या फिर इसी को हम बोल देते हैं सल्फाइड। बात क्लियर है? समझ में आया? अब हम चलते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, किस प्रकार से इसे बनाया जा सकता है और इससे क्या बनाया जा सकता है, उसके लिए केमिकल प्रॉपर्टी भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला पॉइंट डालेंगे, पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेडिंग डालेंगे, उसमें सबसे पहला पॉइंट जो होगा हमारा, कहा जा रहा है बाय द एक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड ऑन सोडियम मर्केप्टाइड्स। मतलब हम अगर सोडियम मर्केप्टाइड्स का रिएक्शन एल्किल ब्रोमाइड के साथ करा दें, ध्यान समझिएगा, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन या एल्किल ब्रोमाइड कुछ भी ले लीजिए, हैलाइड जहाँ आप क्लोराइड ब्रोमाइड फ्लोराइड ले सकते हैं, एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल हैलाइड के साथ करा दें सोडियम मर्केप्टाइड्स का रिएक्शन, तो ये हमारा बनाएगा एथिल थायोईथर। बनाए क्या? एथिल थायोईथर। जैसे देखेंगे हम देख रहे हैं यहाँ पर एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड क्या होता है आपका? RX। एल्किल हैलाइड होता है हमारा RX, ये देखिए RX। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ? सोडियम मर्केप्टाइड्स का होता है RSNA,
यही तो होता है सोडियम मल्टीपेप्टाइड्स RSNA। इसके साथ अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं तो ये हमारा बना लेता क्या, ये हमारा बनाता है R2S प्लस NaX, जहाँ पर अभी मैकेनिज्म बता रहे हैं, डोंट वरी मैकेनिज्म बता रहे हैं, यहाँ पर RX क्या है, हमारा एल्किल हैलाइड है, इट इज़ ए एल्किल हैलाइड। RSNA क्या है हमारा, सोडियम मर्केप्टाइड्स है, और जो ये बना रहा है हमारा R2S, ये हमारा क्या है, इथिल थायो ईथर, इट इज़ ए इथिल थायो ईथर। और NaX तो आप ही जानते हैं, सोडियम हैलाइड। ठीक, इस प्रकार से अगर आप यहीं पर इसकी वैल्यू रखना चाहें, सपोज दैट आप रख दें X की जगह पर BrClF, मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आप कुछ भी रखना चाहो, तो आप यहां पर R की जगह पर मान लेते हैं हम C2H5 रख देते हैं, C2H5 Br रख देते हैं, ठीक, C2H5 Br प्लस RSNA, R की जगह पर आप रख दीजिए यहां पर कोई एल्किल ग्रुप रख दीजिए C2H5 NaNA, ये तो हुआ हमारा ना सोडियम मर्केप्टाइड्स इज इक्वल टू, ये हमारा बनाएगा क्या, अब बनाता कैसे देखेंगे, अगर हमारा C2H5 Br है, ठीक, और क्या हमारा C2H5 NaNA है, अगर इस बॉन्ड को आप तोड़ेंगे तो NA पे प्लस आएगा, S पे माइनस आएगा, बिकॉज सोडियम इज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या फिर आप बोल सकते हो सोडियम इज ए लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन द सल्फर, सल्फर से इलेक्ट्रोनिगेटिव इसकी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सोडियम की बहुत कम होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, ये देने की टेंडेंसी रखता है, बट यहाँ पर जो कार्बन और ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है तो ब्रोमीन इज ए हाइलोजन, हाइलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन द कार्बन, तो इसके पास है निगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये इसके पास क्या आएगा, कार्बन के पास आएगा, तो ये ब्रोमीन और सोडियम मिलकर के क्या बना लेते हैं, सोडियम ब्रोमाइड, जिसे आप बोलोगे NaBr, और हमारा मिल गया ये C2H5, यस तो था ही, एक और C2H5 आ गया जो कि इसको न्यूट्रल कर दिया, C2H5, विच इज ऑल्सो नोन एज, इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हो कि C2H5 का होल ट्वाइस, यस ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, बात तो एक ही हुई ना, एथिल थायो ईथर हुआ, इसी को बोलते हैं एथिल थायो ईथर, नोट कर लीजिए फटाफट से, इस प्रकार से ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका हुआ। हे डालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, अब हम पढ़ेंगे थायो ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, आखिर ये दिखता कैसे, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ये क्या है फिजिकल पॉइंट, प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, दे आर कलरलेस, मतलब जो हमारा थायो ईथर होता है ये कलरलेस होता है, थायो ईथर इज ए कलरलेस, ये जितने भी थायो ईथर होते हैं सबके सब कलरलेस होते हैं, उसमें भी देखे थे जो हमारा थायो अल्कोहल हुआ करता था, वहाँ पर मिथिल थायो अल्कोहल को छोड़ करके, क्योंकि वो गैस था, उसको छोड़ करके जितने भी थायो अल्कोहल थे वो कलरलेस हुआ करते थे, ऐसे हमारा थायो ईथर भी कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दे आर वोलाटाइल लिक्विड, मतलब जो हमारा थायो ईथर्स होते हैं ये वोलाटाइल लिक्विड होते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहा जा रही है, मतलब पहले तो ये कलरलेस होते हैं, वोलाटाइल लिक्विड होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होते हैं, मतलब अगर बात की जाए थायो ईथर की तो ये स्पेनली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, वाटर में अच्छे घुलनशील नहीं होते, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये अच्छे घुलनशील होते हैं, जैसे मान लो कोई सा भी सॉल्वेंट ले लीजिए जो कि हमारा एक्सेप्ट H2O की बात की जाए तो उसमें अच्छे से ये घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे कि देयर बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन दोज ऑफ करेस्पॉन्डिंग ईथर, मतलब इसका जो थायो ईथर होते हैं इनका इसके करेस्पॉन्डिंग ईथर जो होते हैं, जैसे थायो ईथर बोल दिया जाए कि मिथिल थायो ईथर, एथिल थायो ईथर, तो ये अपने एथिल ईथर के करेस्पॉन्डिंग में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इनकी होती है, बट एल्कोहल में देखते थे उसके करेस्पॉन्डिंग में जो एल्कोहल हुआ करता था एल्कोहल के करेस्पॉन्डिंग में उससे कम उसका बॉइलिंग पॉइंट था, बट इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अपने करेस्पॉन्डिंग ईथर की अपेक्षा ज़्यादा होता है। बात समझ में आई, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, सो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, टेक स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें लिखेंगे जो पहला पॉइंट होगा इसका,
तो लिखेंगे इसमें एडिशन ऑफ हैलोजन। सबसे पहला हम टॉपिक यही देख लेंगे, एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन साथ ही क्रिया करके क्या बनाएगा, यहाँ पर देखेंगे हम इथिल सल्फाइड लेंगे। क्या लेंगे? इथिल सल्फाइड। तो देखिएगा आप ले लीजिए इथिल सल्फाइड, लेट वी हैव इथिल सल्फाइड। अब इथिल सल्फाइड क्या होता है, अभी हमने आपको बताया इथिल सल्फाइड होता क्या भाई, वही आप देख रहे हो C2H5 का होल ट्वाइस। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, Br2 के साथ। जब हम इसका रिएक्शन Br2 के साथ कराते हैं, मतलब हम थायोइथर का रिएक्शन जब हम ब्रोमीन के साथ कराते हैं, ब्रोमीन इज ए हाइलोजन, तो ये हमारा बनाता क्या है, ये हमारा फॉर्म करता है टू फॉर्म, ये हमारा बना लेता है C2H5 का होल ट्वाइस Br2, इससे जाकर जुड़ जाता है। और इसका जो नाम होता है SBr2, ये टोटल इसका जो नाम होता है, इसको हम बोलते हैं इथिल सल्फाइड डाइब्रोमाइड। क्या बोलते हैं इसको, C2H5 को बोलते हैं इथिल सल्फाइड डाइब्रोमाइड। इसको बोलते हैं इथिल सल्फाइड डाइब्रोमाइड। क्लियर? मतलब जब हम किसी भी थायोल को हाल ये सॉरी थायोइथर इसको बोलते हैं क्या थायोइथर का रिएक्शन हम हैलाइड के साथ कराते हैं, यहाँ पर हम ब्रोमाइड लिए हैं, ब्रोमाइड साथ कराते हैं, तो ये बनाता है हमारा इथिल सल्फाइड डाइब्रोमाइड। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमारा हाइड्रोलिसिस। मतलब जब हम किसी भी थायोइथर का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो एल्कोहल बनाता है। किसी भी थायोइथर का अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें, मतलब रिएक्शन विथ वाटर, तो ये बनाएगा हमारा एल्कोहल। अब कैसे बनाएगा आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जब हम रिएक्शन कराते हैं, सपोज दैट हम ले लेते हैं कोई भी थायोइथर, तो मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं R2S ही ले लेते हैं, R2S ले लिए। इसका जब हम H2O के साथ रिएक्शन करा देते हैं, 2-mol of H2O, तो ये बनाता क्या है, ये बनाएगा हमारा 2ROH प्लस में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आइए देखते हैं ये बनाया कैसे, R2S कैसे होता है, देखेंगे R S इस प्रकार होता है R2S। और H2 कुछ इस प्रकार होता है H+ और OH-, जब 2 mol लिए हैं तो H+ और OH- इस प्रकार से होगा H+ और OH-, भाई 2 mol हमने लिया। जब हम एक बॉन्ड तोड़ते हैं यहाँ से, क्योंकि सल्फर जो होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसपे माइनस आएगा इस पर हमारा प्लस आता है। जब इस प्लस आता है तो एक R एक OH क्या बना लेते हैं, ROH। ठीक, एक R एक OH ROH बना लेते हैं, तो ये हमारा OH यहाँ से हट जाता है और इसको आकर बैलेंस कर देता है, इसको बना देता है ROH। ठीक, अगेन अब देखिएगा H+ बचा तो H+ इसके साथ आकर रिएक्ट कर गया, H+ इसके साथ रिएक्ट कर गया, बैलेंस कर दिया। फिर से जब हम इस पॉइंट को तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये निगेटिव वाला आकर इसे ROH बनाया कि नहीं बनाया, ROH, ये भी OH हटा। और दूसरा एच, ये वाला एच यहाँ पर चला गया, दूसरा एच यहाँ से हट करके इसके माइनस को हटा करके यहाँ पर एच अपना स्थान बना लेता है, जो कि बना लेता है H2S विच इज दिस एंड 2ROH विच इज दिस। बात समझ में आई होगी आपको। जब भी किसी भी थायोइथर का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो हमारा बनाता है एल्कोहल। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसने बनाया क्या, इसने बनाया एल्कोहल, ये एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक, नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है हमारा, इसका कराते हैं हम ऑक्सीडेशन। क्या कराते हैं हम ऑक्सीडेशन, चलिए देखते हैं। जब हम किसी भी थायोइथर का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो बनाता है हमारा डाइएथिल सल्फोन। क्या बनाता है? डाइएथिल सल्फोन। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब हम किसी भी थायोइथर का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये बनाता हमारा डाइएथिल सल्फोन। आइए देख लेते हैं किस प्रकार से ये बनाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो हम लेंगे कोई थायो
ईथर, तो सी टू एच फाइव या होल ट्वाइस, यस सी टू एच फाइव का होल ट्वाइस, यस। इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यहाँ पर कराएंगे। जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो जैसे बी आर टू के यहाँ पर जाकर जुड़ गया था, यस बी आर टू हो गया था, वैसे ओ टू भी जाकर यहाँ से रिएक्ट करके सी टू एच फाइव का होल ट्वाइस, यस ओ टू। तो जिसका नाम हमारा होता है, इसको हम जानते हैं किस नाम से, जैसे ये हमारा क्या है, थायो ईथर, इट इज ए थायो ईथर। और ये क्या हमारा ऑक्सीडेशन हम इसका करा रहे हैं। इसका जो नाम होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं क्या, डाई एथिल, क्योंकि एथिल डाई है तो इसे बोलेंगे डाई एथिल, डाई डाई एथिल, और सल्फोन, सल्फोन, डाई एथिल सल्फोन। क्लियर, बात समझ में आई। जब हम किसी भी थायो ईथर का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो क्या बनाता है, डाई एथिल सल्फोन, वो बनाता है हमारा डाई एथिल सल्फोन। सो आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका केमिकल प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी इसके पीडीएफ नोट्स का, तो आप पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। तो ये डालेंगे यूज, यूज, यूज में इसका यूज कहां होता है, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, तो लिखेंगे इसमें इट यूज्ड इन क्योर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन मैन, मैन के अंदर मतलब मनुष्यों के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उसका इलाज करने के लिए। क्योर मतलब होता है इलाज, क्योर मतलब क्या होता है, इलाज, लिख लेना, इसका मतलब होता है इलाज, मतलब मनुष्य के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसके इलाज करने में यूज होता है। भाई तो बहुत अच्छी चीज़ है ये थायो ईथर, बहुत अच्छी चीज़ है। सो नो डर कर लीजिए। तो ये चैप्टर हुआ इसी के साथ द एंड, इसके चैप्टर ये जो हो गया ये एंड हो चुका है, तो आप लोग खुशखबरी सुन लीजिए, द एंड, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। लेकिन जाने से पहले आपको मैं बता देना चाहूँगा, जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड के बाद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्या पढ़ेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा कंपाउंड, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बढ़िया पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।